सुहागपुर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा पहुंचने पर जोरदार स्वागत हुआ, जिसके बाद मुख्य बाजार में आम सभा का संबोधन भी आयोजन भी हुआ, जहां पर विधायक विजयपाल सिंह ने मंत्री ओपीएस भदौरिया और उद्योग मंत्री राजवर्धन सिंह को माला पहनाकर उनका स्वागत किया। सभा में मंत्री जयवर्धन सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार में किसान बिजली के लिए आंदोलन करते थे, केवल 4 घंटे बिजली मिला करती थी, अब इतनी बिजली हो गई है कि दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने कांग्रेस जिला अध्यक्ष पुष्पराज पटेल समेत कई कांग्रेसियों को थाने में नजरबंद कर दिया था। नीचे वाली जो पहले उसको भी हमने हजार कहीं अगर छुट्टी हो और आपको संज्ञान में ऐसा हो कि आप जानकारी दीजिए। वर्तमान में आपके गाँव के व्यक्ति को बता दीजिए, क्योंकि हमें 50% आरक्षण मिला, 33% आरक्षण मिला, तो हम माननीय मोदी जी को, शिवराज जी को सारी बहनों मिलकर आशीर्वाद देंगे। आज हमारे सुहागपुर नगर में जन आशीर्वाद यात्रा आई, मंत्री जी ने हम समस्त महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है और हम ये आश्वासन देते हैं प्रदेश के मुखिया को और देश के मोदी जी को कि हम समस्त महिलाएं फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे और हम महिलाएं आगे होकर मतदान करेंगे और देश में फिर भारतीय जनता पार्टी। तो आज मैं उन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आपने जन आशीर्वाद रैली निकाली, बहुत अच्छी बात है। हिंदू धर्म में कहा गया कि अतिथि देवो भव, आप हमारे यहाँ आपको आपका स्वागत है, मगर आज 15 साल से आपको जनता लगातार आशीर्वाद दे रही है, तो आज जन आशीर्वाद रैली की आवश्यकता नहीं थी, आज गौ आशीर्वाद रैली की आपको आवश्यकता थी। और यदि अभी भी मान लो लोग नहीं जाते तो इसके परिणाम निश्चित तौर पर आप मैं और सबको भोगने पड़ेंगे। बिजली के नाम पे अंधेरा हुआ करता था, आज मध्य प्रदेश के पास में 18,000 मेगावाट विद्युत उत्पादक क्षमता है और उसमें 22% हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से उत्पादन करते हैं। गर्व है मुझे कहते हुए कि दिल्ली की मेट्रो मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है, रीवा का सहयोग तो दिल्ली की मेट्रो चला रहा। नगर में